तू दो टके की गंदे नाले की पैदाइश हमारे भाई को देशद्रोही कहेगी? तेरी इतनी मजाल? तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही पैसे वाले समझते हो, मगर याद रखना मैं इस बेइज्जती का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगी। अरे यार, आज तो कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा और इधर कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। यार वो मैथ वाला गंजा कुछ मेरा ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ यार तू सही कह रहा है, वो गंजा सर कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, उसका इलाज करना चाहिए। ए रुक, तू इसमें नहीं बैठ सकती। क्यों, मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकती? क्या एक बार में तेरे समझ में नहीं आती, जब कह दिया कि इसमें नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। अरे तो मैं भी तो कह रही हूँ, तुम ये बताओ कि मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकती, बताओ। तू एक चपरासी की बेटी है, तू हमारी बराबरी करेगी? सुनो, तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये रिक्शा इनकी है, तुम्हारे बाप की नहीं। बाप तक मत चल, वरना अच्छा नहीं होगा। और क्या बोली, ये सवारी तेरे बाप की है, जिस सवारी में बैठ जाती ना वो हमारी हो जाती है। और पता है तुझे क्यों नहीं बैठने दे रहे? हमारे बराबर में बैठने की तेरी हैसियत नहीं है, तेरी हैसियत है पैदल चलने की, और पैदल चल। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तुमसे तो वो जानवर अच्छे हैं, वो कम से कम प्यार से तो रहते हैं, तुम्हारी तरह किसी को जलील तो नहीं करते। अगर जानवरों में इतनी अकल होती तो वो जानवर नहीं इंसान होते। चलो भैया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, लगता है स्कूल पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटी तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई, तू तो सुबह स्कूल गई थी। कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही आ गई। लेकिन बेटी तू ऐसे क्यों आ गई, और हाँ तू इतनी उदास क्यों है? पिताजी आज फिर उन दोनों ने मुझे रिक्शे में नहीं बैठने दिया, इसीलिए मैं स्कूल पैदल गई थी, और स्कूल गई तो स्कूल का गेट बंद हो गया था, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। बेटी तू चिंता मत कर, मैं उनके घर जाकर उनकी शिकायत करूंगा और प्रिंसिपल साहब से भी शिकायत करूंगा कि मेरी बेटी को ये लोग क्यों परेशान करते हैं। बस बेटी तू ये बता, तेरी तो कोई गलती नहीं है? पिताजी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ बैठने के लिए ये रिक्शा रुकवाया था, लेकिन उन दोनों ने तो मुझे बैठने ही नहीं दिया। और पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि तेरा बाप चपरासी है, तेरी हैसियत नहीं है हमारे बराबर में बैठने की, इसीलिए उन्होंने मुझे बैठने ही नहीं दिया। बेटी तू अंदर जा, मैं शिकायत करने उनके घर कल जाऊंगा, ठीक है? पिताजी क्या कर रहे हो, चाय पी लो। बेटी मैं चाय बाद में पीऊंगा, पहले उनके घर उनकी शिकायत करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय सब घर पर मिलेंगे। पिताजी आज कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज संडे है, सब घर पर ही मिलेंगे, तो आप चाय पीकर ही चले जाना। ठीक है बेटी, तो चाय पीकर चला जाऊंगा, जा लिया चाय। लीजिए पिताजी चाय। ला बेटी। बेटी ज्यादा चीनी तो नहीं डाली है? नहीं पिताजी, ज्यादा चीनी नहीं डाली मैंने। नमस्ते साहब। अरे तुम यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? नहीं साहब, काम तो कुछ नहीं था, मैं तो बस ये कहने आया था आपसे कि आप अपने भाइयों को जरा समझाकर स्कूल भेजा करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। वो मेरे भाई हैं, बिगड़े या संभले इससे तुम पे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे यहाँ क्यों बताने आए हो? देखिए साहब, जब बच्चे गलत काम करते हैं तो उनके माँ बाप से शिकायत की जाती है, आपके भाइयों के माँ बाप आप ही हो, इसलिए मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे भाइयों ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो तुम यहाँ पर शिकायत लेकर आए हो? साहब आपके भाई मेरी बेटी को रोज़ परेशान करते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी बेटी रोती हुई आई थी, इसीलिए साहब मुझे आपसे शिकायत करने आना पड़ा, इसलिए साहब
आपसे प्रार्थना है, आप उन्हें समझा देना कि वो मेरी बेटी को परेशान ना करें। ठीक है, तुम अभी जाओ, वो आएंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है साहब, आप समझा देना, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। पिताजी आ गए आप, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ पिताजी, उन दोनों के घर वाले आपको मिले या नहीं मिले? बेटी अब तू बेफिक्र होकर स्कूल जाना, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनके घर अच्छे से शिकायत करके आया हूँ। ठीक है पिताजी, आप बैठिए, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, अब तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। पिताजी मैं स्कूल जा रही हूँ, मैंने आपका टिफिन पैक करके रख दिया है, ध्यान से ले जाना। ठीक है बेटी, मैं ले जाऊंगा, तू जा स्कूल। पिताजी मैं तो जा रही हूँ, आप अपना टिफिन ध्यान से ले जाना, वरना उस दिन की तरह ही आपको भूखे पेट ड्यूटी करनी पड़ेगी। बेटी तू अपना ध्यान मुझ पर नहीं अपनी पढ़ाई में लगा, क्योंकि तुझे बड़ा अफसर बनकर मेरा नाम रोशन करना है। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि आपका सपना पूरा करना ही मेरा सपना है। बेटी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू एक दिन बड़ा अफसर जरूर बनेगी और मेरा सपना पूरा करेगी। ठीक है तो पिताजी अब मैं चलती हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ बेटी तू जा, थोड़ी देर बाद मैं भी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। नमस्ते भैया, हम कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, तुम मुझे ये बताओ उस चपरासी की बेटी को क्यों परेशान करते हो? वो मुझसे शिकायत कर रहा था। भैया हम तो किसी को परेशान नहीं करते, वो ऐसे ही शिकायत कर रहे होंगे। देखो किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती, जाओ अब। यार आज वो ई रिक्शा वाला कहाँ मर गया, आया नहीं अभी तक। ई रिक्शा वाला तो नहीं आया, ये चपरासी जरूर आ गया जिसने हमारी भैया से शिकायत की थी। हेलो अंकल, जल्दी में हो क्या, जरा हमारी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, क्या सुनाओगे? ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर जाके शिकायत करने की? अगर तुम्हें शिकायत ही करनी तो हमसे करते, हमारे घर क्यों गए? बेटे मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था क्योंकि जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उनकी शिकायत उनके माँ बाप से की जाती है, बच्चों से नहीं, समझे? लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हमारी शिकायत लेकर हमारे भाई के पास पहुँचे? मैंने सिर्फ एक बार तुम्हारे भाई से शिकायत की है तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, और उसका क्या जो मेरी बेटी रोज रोते हुए आकर मुझसे शिकायत करती है, उसका कुछ नहीं? हम कहाँ परेशान करते हैं, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं, ऐसा मजाक तो चलता रहता है। मजाक एक दो बार का होता है, रोज का नहीं, रोज मजाक करने को परेशान करना कहते हैं, समझे तुम? ऐसा ये फालतू का ज्ञान हमें मत दे, अपनी बेटी को जाकर दे, वो भूल रही है कि एक चपरासी की बेटी है, हमारे सामने उसकी बोलने की कोई औकात नहीं है। ठीक है कि तुम्हारे सामने बोलने की उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसे परेशान क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, फिर भी तुम्हारी बेटी हमारी बराबरी करने की कोशिश क्यों करती है? सुनो मेरी बेटी को तुम जैसे लफंगों की बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गधों के साथ रहकर शेर भी गधा बन जाता है, और ये बात मेरी बेटी अच्छे से जानती है, समझे तुम? इसका मतलब हम गधे हैं और तुम्हारी बेटी होशियार है, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कितनी होशियार है। चलो भाई स्कूल चलते हैं। सुनो अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को रास्ते में या स्कूल में दोबारा परेशान किया तो इस बार मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई से नहीं थाने में जाकर करूंगा। जरा अपनी बेटी को भी समझा देना कि वो हमसे जुबान न लड़ाए। बेटे इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है, कमी है तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हें अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, नहीं तो ऐसी बात ही नहीं करते।
ए चपरासी की लड़की रुक जरा, हम भी आ रहे हैं। तुम लोगों को बात करने की तमीज तो है नहीं, क्योंकि अगर होती तो तुम मेरे पिताजी को चपरासी कहकर नहीं चिल्लाते। जब तेरा बाप चपरासी का काम करता है तो उसे चपरासी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा है, तुम लोग मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, तू हमारे लिए कोई डीएम है? मैं डीएम तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे पिताजी के काम का मजाक क्यों बनाते हो? हम मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं। जब तेरा बाप चपरासी का काम करता है उसे चपरासी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलो मान लिया कि मेरे पिताजी चपरासी की नौकरी करते हैं, इसीलिए उन्हें चपरासी कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई वो तो सारे गैर कानूनी काम करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एक देशद्रोही? तू दो टके की गंदे नाले की पैदाइश, हमारे भाई को देशद्रोही कहेगी? तेरी इतनी मजाल? तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही पैसे वाले समझते हो, मगर याद रखना मैं इस बेइज्जती का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगी। तू हमारा क्या करेगी, जा बुला ली अपने चपरासी बाप को, देखते हैं वो हमारा क्या करेगा। चल भाई। अरे बेटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? पिताजी मैं कोचिंग जा रही थी तो वो दोनों लफंगे मुझे फिर मिल गए और मुझे छेड़ने लगे। उसका मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलकर चले गए। उनको मैंने इतना समझाया लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटी तू अभी मेरे साथ चल। हेलो, हाँ बोलिए। अरे आपका माल आपके पास पहुंच जाएगा, पहले आप पैसे पहुंचा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम फिर से यहाँ कैसे? कैसे क्या साहब, मेरी बेटी आपसे एक शिकायत करना चाहती है। हाँ बताओ क्या शिकायत करना चाहती है बेटी, बताओ तुम। साहब मैं जब स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में मुझे रोज परेशान किया जाता है। तू मुझे परेशान करने वाले का नाम बता, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। साहब वो मुझे छेड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके दोनों भाई रोहित और मोहित हैं। क्या बकवास कर रही है लड़की, मेरे भाई तुझे भला क्या छेड़ेंगे? फालतू में मेरे भाइयों पर इल्जाम लगा रही है, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। साहब मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपके भाई ही रोज परेशान करते हैं और मेरी रोज मजाक बनाते हैं, वो भी स्कूल में सबके सामने। अगर आपको यकीन ना हो तो आप स्कूल में जाके किसी से भी पूछ सकते हो, और तब भी आपको यकीन ना आए तो बुलाइए अपने दोनों भाइयों को और पूछिए उनसे। ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें, अगर तेरी बात झूठ लिख रही तो तू जानती है तेरे साथ क्या होगा। साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर ये झूठ बोल रही है तो अभी आप अपने भाइयों को बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए। ठीक है तो मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। हेलो मोहित, कहाँ पर हो तुम दोनों? सीधे अभी घर आओ, कुछ जरूरी काम है। हाँ अभी ठीक है। साहब अगर आप उस दिन अपने भाइयों को समझा देते जिस दिन मैं शिकायत करने आया था तो आज आपको उनकी शिकायत सुननी नहीं पड़ती। तुम क्या समझते हो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को परेशान करे जाकर, पता नहीं क्या समझते हो। और वैसे भी ये ऐसी छोटी मोटी बात है तो बच्चों के बीच होती ही रहती है। साहब एक लड़की के साथ बदतमीजी करना और मारपीट करना आपको छोटी मोटी बात लगती है? जरा सोचिए अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बहन या बेटी होती तो आप क्या करते? हाँ भाई बताइए क्या काम है जो हमसे जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, और ये दोनों बाप बेटी यहाँ क्या करने आए हैं? ये बाप बेटी तुम्हारी यहाँ पर शिकायत करने आए हैं, और ये लड़की कह रही है कि तुम दोनों भाई मुझे परेशान करते हो, क्या ये बात सच है? भैया ये लड़की झूठ बोल रही है, हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, इसे परेशान करने नहीं। लड़की तो ये कह रही है कि थोड़ी देर पहले तुमने इसके साथ बदतमीजी और मारपीट की है। भैया आपने फोन किया था उस टाइम हम कोचिंग सेंटर थे, फिर इसके साथ बदतमीजी और मारपीट किसने कर दी? हाँ भैया हम तो वहाँ पर थे ही नहीं। तुम दोनों वहाँ पर थे और तुम्ही ने मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट की, फिर अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? तू कितना भी झूठ बोल लेकिन हमारे भैया हमें अच्छे से जानते हैं कि हम उनके सामने झूठ बोल ही नहीं सकते। क्या कह रहे हो तुम, मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो, तुम जरा शर्म करो। बस बस बहुत हुआ, अब मैं सारी बात जान चुका हूँ, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? साहब ये तो आप भी जानते हो कि कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करता, तो आप ही बताइए मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ।
देखो मैं अपने भाइयों को अच्छे से जानता हूँ, ये हमेशा मुझसे सच ही बोलते हैं। साहब सच तो ये है कि आप अपने भाइयों के प्यार में इस कदर अंधे हो गए हो कि आपको सच दिखाई नहीं दे रहा। ए चपरासी जरा तमीज से बात कर, हमारे भाई को अंधा कह रहा है तू। सुनो तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से इज्जत से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? निकलो चलो। भाई साहब नेम सिंह जी का घर यही है क्या? हाँ यही है, बताइए क्या काम है? वो मेरे बड़े भैया हैं, उनके लिए नोटिस आया है। लीजिए साइन कीजिए। जिले में सरकार ने 120 घरों पर चलवाया बिल्डोजर। भैया आपके नाम से ये नोटिस आया है। नोटिस आया है, देखना इसमें क्या लिखा है। भैया ये नोटिस राज्य सरकार की तरफ से आया है और इसमें लिखा है हमें अपना घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर भी तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है हमारा घर ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है, इसलिए सरकार ने इसे तोड़ने का ऑर्डर दिया है। जिसका डर था वही हुआ। लेकिन भैया हमें तो आपने कभी बताया नहीं कि हमारा घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। रोहित मोहित मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए अब बता रहा हूँ। सुनो, कुछ अधिकारियों को हमारे पिताजी ने पैसे देकर इस ग्राम सभा जमीन पर कब्जा कर लिया था, ये घर उसी जगह पर बना हुआ है। भैया अगर हमारा मकान सरकार ने तोड़ दिया तो हम कहाँ रहेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी वकील से बात करता हूँ। हेलो वकील साहब। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है भैया, क्या कहा वकील साहब ने, हमारा घर बचेगा या नहीं? अगर तुम लोग ढंग से पढ़ाई करते तो ये घर टूटने की नौबत नहीं आती। क्यों भैया, क्या हुआ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया? मैंने इसीलिए पढ़ाया कि तुम एक दिन पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनो और खूब पैसा कमाओ। लेकिन तुम दोनों ने तो कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो हमेशा अपनी आवारा गर्दी में ही मस्त रहे। भैया ऐसा वकील साहब ने क्या कह दिया जो हमारी पढ़ाई को लेकर हमें डांट रहे हैं? वकील साहब ने कहा है कि हमें कुछ कागज तैयार कराने पड़ेंगे और उस पर जिला अधिकारी की मोहर लगेगी, तभी हमारा घर टूटने से बचेगा। और तुम्हें पता है इस समय हमारी जिला अधिकारी कौन है? उस चपरासी की बेटी है, इसीलिए मैं तुम्हें डांट रहा था। क्या, वो चपरासी की बेटी जिला अधिकारी बन गई? हाँ, अब हमें उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ेगी कि वो हमारी फाइल पर साइन कर दे, तभी हमारा घर टूटने से बचेगा। चलो अब चलते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? अरे कैसे क्या, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो एक मामूली चपरासी हूँ। देखो पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और अपनी बेटी से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि इस फाइल पर साइन कर दे। लेकिन ये फाइल किस चीज़ की है? ये कागज़ हमारे घर के हैं, अगर इन कागजों पर आपकी बेटी साइन कर देती है तो हमारा घर टूटने से बच जाएगा, और अगर आपकी बेटी ने इन कागजों पर साइन नहीं किए तो सरकार हमारा घर तोड़ देगी। लेकिन घर तो आपका है, फिर सरकार उसे क्यों तोड़ेगी? देखिए ये बात आप नहीं समझोगे, आप अपनी बेटी को बुलाइए, हम उन्हीं से बात करेंगे। आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, क्योंकि अभी मेरी बेटी तैयार होकर निकलने ही वाली थी, मैं अभी बुलाता हूँ। बेटी शिवानी जरा इधर आना। और मिस्टर राणा कैसे आना हुआ? बेटी ये लोग इस फाइल पर साइन कराने आए हैं, क्योंकि सरकार इन बेचारों का मकान तोड़ रही है, अगर तुम साइन कर दोगी तो इनका मकान नहीं टूटेगा। पिताजी
आपको ये लोग बेचारे लग रहे हैं? आप शायद भूल गए हो, इन्होंने मेरी और आपकी कितनी बेइज्जती की थी। देखिए, पहली बातें भूल जाइए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप कृपया करके हमारी इस फाइल पर साइन कर दीजिए, इससे हमारा घर टूटने से बच जाएगा। देखिए, मैं सरकार के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका घर टूट रहा है ना, इसको तोड़ने के ऑर्डर्स मैंने ही दिए थे। बेटी, माना कि ये बहुत बुरे आदमी हैं, लेकिन इनके घर तोड़ने का ऑर्डर तुम्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। पिताजी, आप कुछ नहीं जानते, इनका घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, अगर आप इस फाइल पर साइन कर देंगी तो हमारा घर बच सकता है, हम उसके लिए आपको मुंहमांगी कीमत देंगे, ताकि आपको इस खटारा घर में नहीं रहना पड़े। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रिश्वत देगा और मेरे घर को खटारा बताएगा? और सुनो, मैं जिला अधिकारी ऐसे ही नहीं बनी हूँ, बल्कि इसलिए बनी हूँ कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ और तुम जैसे लोगों से छुटकारा दिला सकूँ। ऐसा है, अपनी औकात मत भूल तू। अब तू जिला अधिकारी बन गई तो अपनी औकात भूल गई, चुपचाप इस फाइल पर साइन कर दे, समझी? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी देगा? तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया, निकलो यहाँ से।